फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बेटा अच्छे हो। आपको मैं एक बात बता दूं, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये आता है कि बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म आते हैं फिजिक्स में, कैलकुलेशंस आती हैं, वहाँ बहुत दिक्कत आती है, हो ही नहीं पाता हमसे। और विदाउट मैथ्स कुछ बेसिक नॉलेज अगर नहीं है तो फिजिक्स में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, तो हम उसे वन बाय वन क्लियर करेंगे तो उससे फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। कहीं पर भी कैलकुलेशन वैलकुलेशन की दिक्कत आई आप कर सकते हो, उसी पे आज की क्लास है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, मैं एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स कि क्या एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का फिजिक्स में, क्या एप्लीकेशन, वन बाय वन करके समझते हैं। तो एप्लीकेशन तो बहुत सारी चीजों का है, अलजेब्रा का है, कैलकुलस का है, ट्रिगो का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, लॉगरिथम का है, बहुत सारी चीजों का एप्लीकेशन है। तो जितना मैथ्स हम नहीं पढ़ाने हम आपको आए हैं, हम सिर्फ मैथ्स की बेसिक जानकारी दे दें ताकि आपको फिजिक्स में दिक्कत ना आए इन फ्यूचर कभी। तो जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा अलजेब्रा की चीजें क्या क्या आती हैं फिजिक्स में जो हमें दिक्कत होती है, अलजेब्रा की चीज क्या क्या याद रखना है, इससे फिजिक्स हमें कभी दिक्कत ना करे, कभी परेशान ना करे, इजी हो हमारे लिए। तो अलजेब्रा की चीजें सबसे पहले आप जानते हो, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं आता है बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड टर्म आएगा, आप ध्यान से देखना बेटा, एक तो ये टर्म हो गया, सेकेंड टर्म फॉर्मूला जैसे मान लो आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलोगे सर ये भी हमें पता है, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कोई टर्म आ गया तो बोलोगे सर ये भी हमें पता है, सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा कोई टर्म आ गया तो बोलोगे सर ये भी पता है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर कभी कभी फिजिक्स में इस तरह का टर्म आ जाता है मैथमेटिकल टर्म a प्लस बी का होल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला याद रखना बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी ब्रैकेट में, तो खोल के लिखना चाहते हो खोल के लिख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए, है कि नहीं, बहुत सिंपल है बेटा, आराम से कर सकते हैं ये। अब किसी बच्चे ने कहा सर मेरे को a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ, तो बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं ये बताओ कैसे आ रहा है, बताओ ये देखो a माइनस बी के होल क्यूब को लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। अब इसको खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब ब्रैकेट में कितना आ गया बेटा a माइनस बी, अब इक्का करके मल्टीप्लाई करो a के साथ, a स्क्वायर a क्यूब प्लस ab स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी, ए के साथ सारे टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करो माइनस, है ना, देखो कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू प्लस टू ए बी स्क्वायर, क्या आ गया देखो ए क्यू माइनस बी क्यू ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर मिलके क्या हो गया देखो थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। लोग इसको ऐसे ले देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कॉमन ले लो बी माइनस। तो अगर मान लीजिए पूछो कि कैसे आ रहा है तो इसको देख सकते हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, इसको खोल दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू ए माइनस बी, वन बाई वन करोगे ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी,
माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस टू ए बी स्क्वायर, ए क्यूब और ये बी क्यूब इधर आ गया, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, जोड़ करके आ गया थ्री ए बी स्क्वायर, और देखो माइनस टू ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखो, तो आप तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया। अब आप सीधे लास्ट में ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे जो मैंने बताया। फॉर्मूला क्या लिख दोगे बेटा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर, आप समझो राइट। तो इस तरह हम ये फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो इसको मैंने बता भी दिया कि अगर कभी प्रूफ मान लो दिमाग में आ नहीं रहा कि कैसे हो गया, तो ऐसा फॉर्मूला याद रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब चीजें आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अलजेब्रा में कभी कभी ऐसे भी फॉर्मूले आते हैं, जैसे देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, देख लो आप चेक कर लो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलोगे प्लस फोर ए बी जोड़ोगे यही आ जाएगा। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये होता है, और कभी कभी हम ऐसे भी यूज करेंगे तो वहां परेशान नहीं होना। उसी तरह अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। जितने अलजेब्रा के जितने यूज़ है सब मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में ना, क्या अलजेब्रा का यूज है, अलजेब्रा फंक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है फिजिक्स में, जब मैथमेटिकल जरूरत पड़ेगी तो मैं इतना बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे मान लो किसी ने कहा दिया कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, तो कुछ नहीं करना, ए क्यूब इसके तो पता है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर से ला दोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री बी स्क्वायर ए, इधर शिफ्ट कर दिया। उसी तरह किसी ने कहा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, अब मैं इसका फॉर्मूला बनाने पूछ रहा हूं तो इसको इधर शिफ्ट कर दू, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री बी स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला बना दो आप, जो भी चीज जरूरत पड़ता है पढ़ लो अच्छे से, ओके। तो ये सब जो लीनियर फंक्शंस थे ये सब चीज पता चल गया। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे मान लो हमें कोई चीज कॉमन लेना है, देखने एक चीज को कॉमन लेना है, जैसे मान लो ए प्लस बी है, एक एग्जाम्पल सीखो। अब इसमें मान लो मेरे को कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, ए कॉमन लेना है, तो क्या करना है पता है आपको, ये नहीं देखना है कॉमन जो ले रहे हैं, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि सर हम ए प्लस बी में ए यहाँ है यहाँ तो नहीं है तो हम कैसे कॉमन लें, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप जिसको कॉमन ले रहे हो ए को, तो अंदर उसे डिवाइड कर दो, ए बाय ए प्लस बी बाय ए, ए बाय ए कट के वन हो गया, ए प्लस बी अगर कॉमन लोगे ए तो क्या आ जाएगा, ए वन प्लस बी बाय ए, और ये बस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन लेने के लिए टेंशन नहीं। अब a प्लस बी में a यहाँ कॉमन लेना है, a है यहाँ नहीं है, तो क्या करना है, जो कॉमन लेते हैं वो निकाल लो और अंदर डिवाइड कर। अब जैसे मान लो a प्लस बी में अब किसी ने कहा कि b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लेंगे तो क्या होगा, क्या कहा मैंने, जो कॉमन ले रहे हो उसको अंदर डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो कितना हो गया, ए बाई बी प्लस बी बाई बी, क्या आ गया कॉमन लेके, बी ए बाई बी प्लस वन, कुछ नहीं करना। तो कॉमन में तो कुछ करना ही नहीं, कॉमन में ये है ये नहीं देखा था, कॉमन में ये है वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखना कि कॉमन में ये इधर यहाँ पे ये है यहाँ पे ये नहीं है, भैया कुछ नहीं करना, आपको जो भी कॉमन लेना है ले लो, बस इसको अंदर दोनों तरफ से दोनों से डिवाइड कर दो, ए निकाल रहे हो दोनों को ए से डिवाइड कर दो, बी निकाल रहे हो दोनों को बी से डिवाइड कर लो, ये परेशान नहीं होना कि सर यहाँ है यहाँ ये नहीं, सब चीजें याद रखना है, सब चीजें बहुत जरूरत पड़ती हैं अलजेब्रा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो में जितने अलजेब्रा की चीजें हैं मैं एक एक करके तीन चार वीडियो बनाऊंगा, आज अलजेब्रा के यूज बताऊंगा,
एक में ट्रिगो और लॉग का बताऊंगा, एक में कैलकुलस का बताऊंगा। तो ये सब चीजें आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये कॉमन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब कॉमन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, तो अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कुछ चीजें पावर्स की भी आपको याद रखने हैं, कि पावर के फंक्शंस की भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको अच्छे से याद रखना, और वो क्या है जरा सुन लो। पावर में क्या होता है, जैसे मान लो ए का पावर स्क्वायर है, ए का पावर स्क्वायर, ए का पावर एम है, चलो एम मान लो। अब मैं इसको नीचे लाऊं तो ए का पावर माइनस एम हो जाती है। कोई भी चीज अलजेब्रा में अगर ऊपर में है ए का पावर एम, एन कुछ भी है, उसको मैं नीचे शिफ्ट करूं तो चीजें वही रहती हैं, बस जो पावर है ना वो माइनस में चला जाता है। नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ तो पावर में साइन अपोजिट लग जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इस बात का ध्यान रखना। फिर एक और कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, मान लो ए का पावर एम है और उसका भी पावर एम है। कभी कभी ऐसे भी कैलकुलेशंस आते हैं जहां पावर पे पावर होता है, जहां पावर पे पावर होता है, मेरी बात को सुनो, कभी कभी ऐसे भी कैलकुलेशंस आते हैं जहां पावर पे पावर होता है, पावर है उसके ऊपर फिर पावर है। तो करना ये है इस केस में, तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एम इंटू एन। चीज याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको लगेगा रूट ए है, तो परेशान नहीं होना, रूट ए को लिखते हैं ए का पावर हाफ। रूट आ जाए तो इसका मतलब पावर हो जाता है हाफ, याद रखना। कभी कभी आपको देखने में ऐसा भी लगेगा फिजिक्स में, या कभी भी एक्स का पावर एम इज इक्वल टू वाई, कुछ ऐसा इक्वेशन हो और आपका मन कर रहा है कि मैं पावर को उधर शिफ्ट कर दूं, तो शिफ्ट कर सकते हो, एम को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा ये वन बाई एम। ये याद रखना है, सब चीजें वन बाई एम हो जाएगा। कोई भी पावर जब इधर शिफ्ट होता है, इधर से इधर जाता है, तो जो पावर है ना बेटा उधर जब जाएगा तो वो वन अपॉन में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलजेब्रा में नेक्स्ट पॉइंट बता दूं मैं आपको, मान लो एक्स का पावर ए है और एक्स का पावर बी है, दो टर्म मल्टीप्लाई, दोनों में पावर है लेकिन बेस सेम है। तो अगर अलजेब्रा में बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होते हैं, तो एक जगह अगर करोगे बेस तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, याद रखना पावर विल ऐड। और अगर ऐसा है एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी, अभी भी बेस सेम है बट पावर देखो अलग अलग डिवीजन में है, तो एक जगह करोगे तो पावर इनके डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, याद रखना सब बात, पावर इनके क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहां पर ये सब चीजें पावर्स की आप देख रहे थे कि पावर के साथ हम कैसा फंक्शन करते हैं। फिर अलजेब्रा में कुछ और चीजों के बारे में बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से देखना। मान लो अगर आपको लगा कहीं अलजेब्रा में कि ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, कहीं ऐसी कोई बात आ गई कि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, आप समझो फ्रैक्शन इधर भी है फ्रैक्शन इधर भी। अब यहां पर एक टर्म होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक होता है टर्म कंपोनेंडो, ये क्या चीज होती है अलजेब्रा में ये देख, अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें क्या कहा जाता है। मान लो दोनों साइड दो चार टर्म है सब फ्रैक्शन में, एक दो तीन चार वो फ्रैक्शन में, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये बोलता है कि अगर लेफ्ट साइड आप मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो तो राइट साइड भी वही काम करना पड़ेगा, और नीचे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट कर रहे हो उधर भी वही करना पड़ेगा। ये इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अलजेब्रा में जरूरत पड़ेगी। क्या रूल है समझ में आ गया कि अगर आप लेफ्ट साइड अगर आप जो भी काम करो, जैसे मान लो लेफ्ट साइड आपने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, तो राइट साइड भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा, नीचे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो इधर भी सब्ट्रैक्ट करना, ये है रूल, इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। फिर अगले अगले पॉइंट्स को देखना,
अब मान लो कोई टर्म है a by b और आपको लग रहा है इफ b इज ग्रेटर देन a, मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप अच्छे से जानते हो उस केस में a by b का रेशियो 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा बेटा, 1 से कम। और अगर आपको लग रहा है इफ a ग्रेटर देन b है किसी भी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो उस केस में आप जानते हो ये सब बेसिक बातें, उस केस में जो फ्रैक्शन की वैल्यू है a by b की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर, वो 1 से ग्रेटर हो जाएगी। इन सब बातों को नहीं भूलना बेटा, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखना, अब अलजेब्रा में जो हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज तो आप समझ कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब यहां पर मेरी बात को सुनो, अलजेब्रा में एक रूल है इसे कहते हैं बाइनोमियल, एक बाइनोमियल रूल की भी हमें जरूरत पड़ती है फिजिक्स में, कभी कभी बाइनोमियल रूल आएगा। बाइनोमियल रूल क्या है, बाइनोमियल रूल, तो ये जरा मैं आपको बता दूं बाइनोमियल रूल की जरूरत है फिजिक्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो कोई टर्म है 1 प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, उसके साथ कोई टर्म x है, उसका होल का पावर n है, मान लो कोई मैथमेटिकल टर्म है 1 के साथ x y z ऐसा कोई भी टर्म है, उसका होल का पावर पूरे का पावर ऊपर n है, ऊपर क्या है n, मेरी बात को समझो। तो यहां क्या बताया जाता है कि अगर कभी भी ऐसा टर्म आ जाए 1 प्लस माइनस x का पावर n आ जाए, तो आप इसको 1 प्लस माइनस nx लिख सकते, मतलब इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन कब कर सकते हो ये ध्यान से सुनना, ये तब होता है when x is less than 1, मतलब समझो आप जब वो जो x है, मेरी बात सुनना, जब वो x है, x जो 1 के साथ प्लस या माइनस हो रहा है, अगर वो x 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, मतलब x जो है वो 1 के सामने बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, तो ये जो n है ना बेटा n, ये n आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है x से आकर मल्टीप्लाई हो, सब बातों को याद रखें। लेकिन इसको कहते हैं बाइनोमियल रूल, लेकिन ये रूल लगता कब है ये ध्यान रखना, ये रूल कब लगेगा, आपने शायद इस चीज को आपने वहां भी पढ़ा होगा, इसे कहते हैं बाइनोमियल रूल। ये रूल लगता कब है बेटा, इसको ध्यान रखना, जब 1 हो, 1 के साथ कोई भी टर्म हो x y z कोई मैटर नहीं करता, और होल का पावर कुछ हो, तो ये पावर जाकर x से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ये कब होता है ये रूल, जब ये जो x है वो 1 के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। अब बच्चे इसके बाद सारा कुछ मैंने बता दिया, मैथमेटिकल टर्म तो मैंने आपको समझा ही दिया, कॉमन लेने का रूल भी समझा दिया, एवरीथिंग मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ छोटी छोटी बातें और मैं बता दूं जो जरूरत पड़ सकती है आपको। अब आप जैसे मान लो रूट टू की वैल्यू किसी ने पूछ दिया, तो रूट टू की वैल्यू हम 1.4 बोलते, किसी ने रूट टू कह दिया तो 1.414 बट राउंड ऑफ में 1.4 लेते हैं। किसी ने कहा रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, तो वहां भी परेशान नहीं होना, हम इसे 1.7 लेते हैं, 1.7 लेते हैं, इज याद रख कैलकुलेशन के ड्यूरिंग द कैलकुलेशन कभी कभी रूट टू आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा, तो हम उसे 1.4 ले लेंगे या 1.7 ले लेंगे। सब बातों को याद रखना है, अच्छे से समझ। तो मुझे लगता है कि अलजेब्रा में जितनी जरूरत पड़नी चाहिए अलजेब्रिक फंक्शन की, अलजेब्रा में क्या क्या चीज की जरूरत है जो हमें फिजिक्स में काम आएगा, पढ़ने से पहले हम कोर्स शुरू करेंगे तो हमें कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ कहाँ अलजेब्रा की जरूरत पड़े, हमें जरूरत आएगी अलजेब्रा ये आ गया तो ये आ गया, तो जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में वो हमने पढ़ा दिया। ऐसे तो अलजेब्रा बहुत बड़ा है, अलजेब्रा उतना बड़ा पढ़ना है कहाँ हम पढ़ पाएंगे, अलजेब्रा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैथ्स में जितना आना चाहिए अलजेब्रिक रूल वो मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रिक रूल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अलजेब्रा का क्या क्या फंक्शन हो सकता है आपके फिजिक्स में, तो वो मैंने बता दिया अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रा में क्या क्या है। अब अलजेब्रा के बाद जैसे नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका, मैं आपको बता देता हूं लॉगरिथमिक, थोड़ा बहुत, ज्यादा लॉग का ज्यादा यूज नहीं है, बहुत कम यूज है,
तो लॉग का क्या यूज है वो थोड़ा सा हम बता देते हैं। ट्रिगो का बहुत यूज है, कैलकुलस का बहुत यूज है, कोऑर्डिनेट का भी, ग्राफ का भी बहुत यूज है, तो इन तीनों की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। आज के इस वीडियो में अलजेब्रा और लॉग बस, राइट, क्योंकि एक वीडियो तो बहुत 3-4 घंटे की बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो में अलजेब्रा और लॉग। अब लॉग क्या है सुनो, जिस तरह आप मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते हो, जिस तरह आप मैथ्स में ट्रिगो पढ़ते हो, कैलकुलस पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, तो उसी तरह यहाँ पर एक लॉगरिदमिक भी, एक लॉग भी एक फंक्शन है जिसका हमें जरूरत पड़ता है। वो क्या होता है जरा ध्यान से सुनो, राइट। अब यहाँ पे क्या बताया जाता है लॉग में, लॉगरिदम, लॉगरिदम में क्या होता है सुनो। मान लो आपने किसी ने कहा लॉग, आप लॉग लिखते हो, लॉग आपने एक्स लिख दिया, जैसे होता ना साइन के साथ कुछ वैल्यू होती है, डिग्री एंगल, उसी तरह लॉग में मान लो कोई वैल्यू एक्स है, तो लॉग में हमेशा बेस होता है। देखो लॉग बिना, लॉग में एक बेस होता है, वो बेस ई, लोग ई कहते हैं। लॉग जब भी लिखते हैं लॉग फाइव, लॉग बोलेंगे लॉग फाइव, लेकिन वो बेस नहीं पढ़ते, बेस पढ़ा नहीं जाता, बेस लिखा जाता है लॉग फाइव विद बेस ई। और एक लॉग का बेस होता है, लॉग एक्स लिख दिया मैंने, इसमें लॉग का एक बेस 10 होता है। दो लॉग के बेस होते हैं, लॉग की वैल्यू जब होती है तो विद बेस लिखा जाता है, लॉग एक्स विद बेस ई, लॉग एक्स विद बेस 10। ये सब चीज को समझो, जब हम लॉग टेबल हमें मिलेगा तो लॉग के वैल्यूज लिखे जाते हैं। तो लॉग बोला जाए लॉग 6 की वैल्यू बताओ, तो आप पूछना किस बेस के साथ, विद बेस ई या विद बेस 10, कोई भी पूछा जाएगा तो आप बता देना, मैं बोलूंगा विद बेस ई या विद बेस 10, तो आप समझ जाना किसके साथ वैल्यू बतानी है। हर बेस के साथ वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन जो टेबल बनाया जाता है उसमें ये बेस 10 होता है मेन, ये बेस 10 लिया जाता है। तो अगर आपको मान लो लॉग एक्स की वैल्यू है विद बेस ई, और आपको कुछ इस तरह काम करना है कि सेम वैल्यू हो, लॉग एक्स ही हो बट ई की जगह पे 10 आ जाए, तो एक रूल है आगे आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना, सब चीज याद रखना, लॉग का रूल है। तो लॉग में क्या होता है, मैंने क्या कहा जैसे अलजेब्रिक अलजेब्रा है वैसे ही लॉग है। लॉग में लॉग एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप उससे पूछोगे लॉग एक्स की वैल्यू किस बेस के साथ, मैंने कहा ई बेस के साथ, और ई बेस के साथ बता रहे हो, ठीक है। आपने कहा नहीं 10 बेस को कर, इस वैल्यू को बेस 10 में कन्वर्ट करो, तो आगे ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होती है, ये बात याद रखना। सेकेंड पॉइंट है लॉग का, लॉग की जरूरत है वो ध्यान, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, बस 3-4 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, टेंशन मत लो। मान लो लॉग एक्स की वैल्यू है, ऊपर वाई है, बेस तो होगा ही होगा, बेस पढ़ते नहीं है वो अलग बात है, बट होगा। तो इसमें ये बताया जाता है मान लो लॉग एक्स है, बेस नहीं पढ़ते, बेस 10 ले लिया या ई ले लिया, जो भी ले लिया। अब लॉग एक्स है उसके ऊपर कोई पावर आ जाए, तो एक रूल है पावर जो है वो सबसे पहले आ जाता है, फिर पावर को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, वाई लॉग एक्स, वाई लॉग। मैंने क्या कहा, अब भूले तो नहीं हो, बेस तो लिखा जाता है बट पढ़ा नहीं जाता, ये क्या रूल है आप समझ गए। अगर मान लो आपके पास लॉग एक्स है और ऊपर पावर है, तो वो जो पावर है वो सबसे पहले शिफ्ट कर जाए, सब चीज याद रख। थर्ड पॉइंट है बेटा लॉग में जो हमें जरूरत पड़ेगी, मान लो लॉग एक्स वाई, मान लो लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स इंटू वाई, कोई ना कोई बेस दे दिया ना, तो अब क्या कहा गया कि अगर लॉग एक्स इंटू वाई है, लॉग है और दो उसके साथ वैल्यूज हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको ओपन करते हैं लॉग एक्स प्लस, बेस तो लिखना ही है वो पढ़ना नहीं है वो अलग बात, बेस लिखना ही है वो पढ़ना नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। मतलब लॉग के साथ अगर दो वेरिएबल हैं या दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो जब लॉग खुलता है तो बीच में प्लस आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, लॉग एक्स वाई, वही बात आ गई, लॉग के साथ फिर दो वैल्यूज हैं, अब वो डिवीजन में है, तो डिवीजन में जब लॉग हो और जब लॉग ओपन होता है बेटा, log x ये बीच में माइनस आ जाए, सब चीज याद रखना, log के दो
बेस होते हैं ई और टेन, सारी वैल्यू ज्यादातर टेन में लिखी जाते हैं। अब ई बेस को टेन में बदलना है तो आगे ये टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज द तो आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लॉग का, लॉग ज्यादा नहीं, ज्यादा लॉग नहीं पढ़ना। अब लॉग में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो सारी वैल्यू की जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको कुछ और बता दूं। जैसे लॉग में एक और पॉइंट याद रखना, मान लो लॉग टेन, लॉग टेन की वैल्यू बेस भी टेन, तो इसकी वैल्यू वन हो जाती है। इसको मैं ऐसे बताता तो ज्यादा समझ में। मान लो ऐसे समझो लॉग एक्स लॉग ए है, अब बेस भी ए है, तो उस केस में वैल्यू वन हो जाती है। अगर लॉग की कुछ वैल्यू निकाल रहे हो और बेस भी आप सेम रख रहे हो, सेम बेस के साथ लिखना चाह रहे हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा वन हो जाती है। जैसे मान लो एग्जांपल मैंने कहा लॉग ई की वैल्यू बताओ, अब बेस भी ई लिया आपने तो ये वन। लॉग टेन की वैल्यू बताओ, अब बेस टेन के साथ देख रहे हो तो इसकी वैल्यू वन। ये सब चीज याद रख, लॉग में जिसकी वैल्यू बता रहे हो और बेस भी सेम रख रहे हो तो उस केस में लॉग की वैल्यू वन होती है। हमेशा याद रखना बेटा लॉग की वैल्यू वन हो जाती। अब लॉग में बहुत सारी वैल्यू होती है। अब जैसे मान लो लॉग टू की वैल्यू पूछा, अब बेस 10 ले लिया तो अब तो 1 नहीं होगा, तो लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। ऐसे तो लॉग बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, बट लॉग 2 की वैल्यू और लॉग 10 की वैल्यू, 10 का विद बेस 10 याद रखना, 2 का सब वैल्यू लॉग विद बेस 10 ही याद रखना। ये अलग चीज था, ये अलग चीज आप समझो, ये क्या था, वैल्यू भी वही और बेस भी वही, तब वैल्यू 1 होती है। लेकिन दो चीज की वैल्यू याद रखना, एक लॉग 10 की वैल्यू और एक लॉग 2 की वैल्यू ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जब वैल्यू हम बताएंगे तो विद बेस 10 ही बताएंगे, और वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अलग है कि बेस सेम है और पावर सेम है, वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम है तो वो वैल्यू 1 होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लॉग की सिर्फ दो वैल्यू आपको याद रखना है, एक लॉग 10 की वैल्यू याद रखना है और एक लॉग 2 की वैल्यू याद रखना है। इसकी हमें जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, बहुत ज्यादा। इन सब बातों को कभी भूलना नहीं बेटा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब यहां पर जैसे मान लो मैं एग्जांपल जैसे मान लो एक दे देते हैं, जैसे किसी ने कहा लॉग बस 8 की वैल्यू बताओ, बस 5 मिनट की वीडियो और है मैं एंड कर रहा हूँ, लॉग 8 की वैल्यू बताओ और 10 दे दिया बेस, तो सबसे पहले क्या करोगे, लॉग 8 को लिख दोगे 2 का पावर 3, 2 में बदल दोगे, क्योंकि मुझे लॉग 2 की वैल्यू पता है। फिर मैंने क्या लगाया था रूल, याद है ना, जो पावर आ गया वो सबसे पहले आ जाएगा, इसलिए क्या लिख सकते हो, 3 log 2 की वैल्यू मैं बता चुका हूं 0.3010। हो गया, मल्टीप्लाई करके बता दो। मान लो एग्जांपल आ गया log 100 की वैल्यू बताओ, जितने भी वैल्यू बताते हैं ना उसमें सब में बेस 10 लिया जाता है, क्योंकि जो टेबल मिलता है उसमें जितने भी log की वैल्यू हम देखते हैं, हमें तो log 2 और log 10 का याद रखना पड़ा, और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, सब में विद बेस 10 ही होती है वैल्यू, तो 10 के साथ ही हमें याद रखना है, 10 ही रहेगा नॉर्मल, सब जगह 10 ही रहेगा। नहीं भी आ रहा है कैलकुलेशन में, फिजिक्स में अगर 10 मान लो E में आ रहा है तो उसको 10 में बदल देंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज तभी बताई जाती है जब log का बेस 10 हो। इसको कैसे लिखोगे, log 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा, जब log में जो फाइनल पावर होता है वो पावर आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये क्या बन गया बेटा, 2 log 10, और log 10 की वैल्यू याद है ना बनी होती है बेस भी सेम है, तो आंसर आ जाएगा 2, आंसर ये तो 1 हो गया, ये 2 हो। तो मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, जितना मेरे को लॉग में जरूरत था ना, लॉग की जितनी लॉग क्या होता है, लॉग क्या कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगा, लॉग की क्या बेसिक चीजें हैं, इससे ज्यादा फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ही काफी आपके। तो ये लॉग भी मैंने फिनिश कर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैंने अलजेब्रा का पूरा रोल खत्म कर दिया, आज की इस वीडियो में मैंने लॉगरिथमिक जितना फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा उसका रोल खत्म कर दिया। हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो पूरी की पूरी वीडियो बनाएंगे ट्रिगो पे, फिर एक वीडियो बनाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, फिर एक या दो वीडियो बनाएंगे, दो या एक देखेंगे जैसा भी कैलकुलस पे, तब जाके आप फिजिक्स में मास्टर ब्लास्टर बन जाओगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में, चौके छक्के लगेंगे फिजिक्स में, लेकिन बिना मैथ्स के चौके छक्के नहीं लगते, मैथ्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।